कार लगा रहा हुआ है, टक्कर मारी इसकी ना हड्डी टूट गई, वहाँ मैंने प्लास्टर वगैरह किया हुआ, प्लास्टर लगाया हुआ, पर ऊपर से आया भी ये गाय प्रेगनेंसी है। मेन डर वही है ना कि बच्चे यहाँ जन्मेंगे ना, ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल है ना सर, खत्म हो गया करियो। अच्छा पाँच मिनट का बेबी है इसके अंदर, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। स्टार्टिंग में मुझे लगा रिस्पॉन्स शो किया, फिर बाद में मैंने बड़ा कुछ किया तो उसने कुछ भी नहीं किया। बीच में एक बार एंड में मेरे को फिर लगा एंड के पास, वो टीका तो लगाना पड़ेगा का ना, वो तो होना ही सर, क्योंकि यहाँ टांग टूटती है तो बच्चा कहाँ, क्योंकि और वैसे भी कोठी में दिक्कत होगी, बाहर है शरीर में, जब वो बच्चा निकल गया पानी निकल गया तो बाहर कम हो जाएगा, ये जो फैलेंगे सारी चीज़ें, फिर उठने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अंदर इन्फेक्शन तो नहीं होगा बच्चा मरने से अभी? नहीं, सर्विक्स खुली नहीं है तो इन्फेक्शन कोई नहीं जाएगा अंदर। अबॉर्शन के बाद ही प्रोग्नोसिस देख पाएंगे फ्रैक्चर का कि कितनी जल्दी ये रिकवर करेगी, प्लस इसका प्लास्टर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने फॉर द टाइमिंग अपनी तरफ से पीओपी कर दिया था, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि टांग अभी भी मुड़ रही है, इसलिए वो तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोए। लड़की हुई हैप्पी बर्थडे सिन्ना, शुक्र नहीं है सर, ये प्रीमैच्योर है ना, कितना पहले हुआ लग रहा है, 7 मंथ सात का तो हो गई, 7 मंथ का तो है ही। इसको बचाने के लिए हम क्या क्या चीज, ओ सर इसके तो कुरूर भी बड़े सॉफ्ट है, इंटेंसिव केयर चाहिए होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा, टेम्परेचर मैनेजमेंट ये काउशर में रखेंगे तब तो इन्फेक्शन, लेकिन फिर मदर के लिए भी अलग जगह चाहिए, अंदर यहाँ नहीं रख सकते ना दोनों को, मदर तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, दूध कैसे पिलाएगी इसको? दूध का तो हमें देखना पड़ेगा कैसे करेंगे अरेंज, या इसी का दूध निकाल के इसी को पिला दें। You could be a miracle. जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो, very good. भगवान की दया से बबली तो बच गई और आप लोग हमारे लिए तालियां भी बजा रहे होंगे, पर अगर आप हमारे काम को असल में अप्रिशिएट करना चाहते हैं ना, तो सोचिए, सर्च कीजिए कि आखिरकार इतनी गाय सड़क पे क्यों आ रही हैं। सुबह देखा ना तो ये मुंडी वाले सेटेड ही हो गए, पहले तो ठीक थी, कल तो ठीक थी, पर आज ही हुआ ऐसे, ऐसे कंडा जैसे बोलते हैं उसको, वो काटा बस उसके काटे के पास से तो वो वैसे ही हो गया, कल को तो उसको ऐसे ऐसे घड़ घड़ हो रही थी इसके गले में, बस ऐसे इन्फेक्शन है, इससे पानी भर जाता है ना कई बार, ये तो मेरे को हाथ से छाती में लग रहा है, कि मुंडी सीधी होएगी कि नहीं, ये उसी की वजह से, बस इसकी मुंडी सीधी हो जाए सर, ये बेचारा बच जाए, अब ये बेजुबान है बेचारे, बोल तो सकते नहीं है। यूजुअली चिकन्स नहीं रखते ना घर पे जी, आप लोग क्यों रख रहे हो? अभी अब हम तो जैसे देसी मुर्गे बोलते हैं ना, इनको तो बीमारी बीमारी कम ही लगती है, दूसरे हाँ, जो पोल्ट्री के होते हैं उनको लग जाती है, तो बहुत साल हो गए हैं, तो हमें तो काफी लोगों ने रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अंडे वंडे देंगे तो उसके लिए रखते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कंडा टाइप होता है वो काटा था ना, इतना डीप तो लग नहीं, डीप नहीं काटा है, डीप नहीं है, ये जो जो पोल्ट्री वगैरह कर रहे हैं वो नॉर्मल है या कलर अलग है? ये देखो येलो जैसा, येलोइश कलर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपने जैसे अभी या रिसेंटली कुछ ऐसे पिलाई हुई है? पहले से इसकी तबीयत खराब थी, फिर मैंने उसको जो नमक नहीं होता काला वाला नमक वो सिरिंज में भर के पिलाया था, तो थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन फिर कंडीशन ज्यादा खराब हो गई इसकी। इसमें पाउडर फॉर्म में ओरल एंटीबायोटिक्स चाहिए, धीरे धीरे करके थोड़ा जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा इसको। अब दीदी अंडे खाती है और हो सकता है कटने के लिए इस मुर्गी को कल को बेच भी दें,
पर फिर भी मुझे अगर अगले जन्म में चिकन के लिए कटने वाली मुर्गी बन के पैदा होना है, मैं चाहूंगा कि किसी ऐसे घर में पैदा हूं जहां पे मरते दम तक मेरा ऐसे ध्यान रखा जाए, बजाय कि किसी ऐसे फैक्ट्री फार्म में जहां मरने से पहले महीनों तक मैं तड़पूं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भाई 99.9% चिकन ऐसे ही फैक्ट्री फार्म से आता है। अब आप सोचे कि भाई मुझे मीट मुर्गा खाने वालों से कोई गिला शिकवा, ऐसा नहीं है। मैं खुद नॉनवेज खाता था तो मैं समझता हूँ कि भाई बहुत से लोगों को अभी या तो सफरिंग का पता नहीं है या सफरिंग का पता होने के बाद भी अभी डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है। पर वो लोग जो मीट मुर्गा खाने को बड़ा प्राइड की बात समझते हैं या ऐसे कॉमेंट्स करके या फोटोएं डाल डाल के औरों को नॉनवेज खाने के लिए उकसाते हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। कुछ पता चला कैसे इंजरी साइड? नहीं, मैं विलास जो है वो गए थे अपनी सिस्टर के घर। हाँ, उसने वहाँ पे देखा कि इसकी टांग कटी हुई है। उसने फोन किया हमें शाम को, हम उसको लेने चले गए। फिर चल रहा है, लंबा चलता है। There's pus, I'd call it one plus, like small amount of pus. Swelling and edema around the right hind. And there's still blood, he's still bleeding. I think he's lost a lot of blood, poor kid. जो इंजरी है ये इसके हाइंड लेग में है। ये जख्म देख के लग रहा है कि किसी शार्प चीज से ही ये कटा है। अभी हमने इसके लिए इंजेक्टेबल स्टार्ट कर दिए हैं, हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टार्ट कर दिया, बाकी जो सपोर्टिव इंजेक्टेबल्स हैं वो हमने स्टार्ट कर दी। लेग के लिए हमें सिर्फ सिंपल ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, एम्पुटेशन तो नहीं हो पाएगा। अगर हम फिर से एम्पुटेशन की अटेम्प्ट करते हैं, हीलिंग टाइम जो है इसका और बढ़ जाए। एक जगह पे बैठे बैठे हो सकता है इसको ज्यादा समय हो जाए तो और कोई दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। टेम्परेचर लो है ना, तो उसके नीचे बेडिंग दी है अभी और इसके ऊपर एक कंबल उठा रहे हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। जा रहे हैं ना बच्चा, जा रहे हैं बच्चा, चल रहे हैं अपन। माँ के साथ ही खुश रहिए। तो अभी तक क्यों बैठ के हमने उसका रिलीज कर ट्राई कर रहे थे हम लोग, अडॉप्ट हो जाती तो वो मतलब ये भी किसी अच्छे घर में जाती। जैसा पंचा का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा टिमिड है, बहुत ज्यादा शाय है। का हुआ, डर क्यों रहा है? डर क्यों रहा? उसके लिए हमें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो उस पर वर्क करने को रेडी हो, बट हमें कोई कॉल ऐसी आती नहीं। उनका ध्यान या तो मॉप पे है, या तो बॉस पे है, या तो पपीज़ पे है। मुझे अभी तक लाइक लास्ट 3 मंथ्स में भी टिंडा धनिया के लिए अच्छी कॉल्स या कंचा के लिए कॉल्स दिए हैं, इस वजह से हम उसको रिलीज़ करें। मार्बल भी वहीं पर है, उसके केयर टेकर्स भी वहीं पर है, तो नो डाउट उसको फीडिंग का भी इशू नहीं आएगा और वो अपनी माँ और दूसरे सिबलिंग्स के साथ भी रहेगी। उसकी स्पेस सर्जरी भी हो चुकी है, तो एनीवे हम जितना कर सकते थे अच्छा उसके लिए उतना करके भेज रहे हैं। तो जब रेस्क्यूड एनिमल्स हमारे यहाँ से पूरी तरह रिकवर होकर रिलीज होते हैं तो ही हमारे पास नए रेस्क्यू लाने की जगह बनती है। बाय द वे, बड़ी की रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। बड़ी शक्ल दिखाइए अपनी। सी मैंने तो आज ही इसको पहली बार देखा, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। बट मैंने इसे रोड क्रॉस करते समय देखा। आसपास के लोगों का कहना था कि ये कई बार इंजर्ड हो चुका है। वो इसे कई बार अपने साथ भी लेकर गए, मगर जब वो इसे वापस छोड़ देते हैं तो उसकी चोट दोबारा ताज़ी हो जाती है। आई होप कि ये इस बार अच्छे से रिकवर हो जाए। वो डॉग गगल से आया है, उस डॉग के लिए काफ़ी बार हम पहले टीटॉन स्ट्रीट पे भी गए हैं और अभी उसको फिर से सिर पे मैगट वुंड हुआ है जो कि थोड़ा डीप भी है, तो उसकी हमने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह सब कर दिया और उसको एंटीबायोटिक्स पे भी रख दिया है। प्लस हमने उसके ब्लड सैंपल भी लिया है जिसमें हम देखेंगे कि उसके ब्लड पैरामीटर्स कैसे हैं, कि HP कम है या लो है, और सेल्स वगैरह का देखेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट कर सकें और उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। क्यों लेके आए थे अनिरुद्ध चूजी को? हाँ, बेचारी उसकी मम्मी थी और सड़क पे बेचारी अकेले थी। मैं कुछ समय के लिए इसे फॉस्टर कर रहा था। फिर तुम इसको अडॉप्ट क्यों करा रहे हो अभी? फैमिली के साथ रहे तो बेटर रहेगा मुझे, जैसे मैं उसको पूरा टाइम नहीं दे पाता। साफ सुथरी रखिए एकदम। एकदम। बिल्कुल वाइट। आपका नाम? विकास। विकास, और आप? मेरा शत्रुघ्न। 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 और आपने इसको देखा कहाँ? वेबसाइट पे देखा था? मैं सारी वीडियो देखता हूँ तकरीबन, तब मैंने देखा था। हाँ जी। अच्छा, वीडियो से पता लगा? हाँ जी। मैंने घर के लिए बताया था कि बहुत पहले थोड़ा से
काइंड ऑफ मेसी था, काफ़ी सारे लोग हैं ना फैमिली में, तो उन्होंने मैंने उनको समझाया कि बहुत मेसी और ये पपी है ना तो ये चूइंग करेगी, फिर आप लोग घर में कोई इरिटेट भी हो सकता है वो, तो उन्होंने चेंज किया घर, उसके बाद फिर वीडियो भेजा, तो मैंने बोला आप सेट करके मुझे वीडियो भेजिए, फिर उन्होंने सेट करके मुझे वीडियो भेजा। अरे नाइस नाइस, ये तो खुश होगी बड़ा बड़ी फैमिली। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू। चूजी के अलावा हमारे यहाँ से गॉडेस अडॉप्ट हुई और वो भी दिल्ली में। दिल्ली हमारे यहाँ से अडॉप्ट करने में नंबर वन पे है, और दिल्ली वालों अगर आपको अपना रैंक मेंटेन करना है तो टिंडा को हमसे अडॉप्ट करिए। क्यों टिंडा जाएगी दिल्ली? जाएगी। ये देवयानी है, इसका टेम्परेचर डाउन है 96.3। डिवॉर्मिंग हो गया, डिवॉर्मिंग रेगुलर है, थोड़ा सनलाइट पे रख देंगे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ये इसका एक मेन रीज़न हो सकता है, और इसमें ये वीकनेस पहले भी आई है दिव्यानी में, खासकर पहले भी आई है, तो अब इसके हम इसके इंजेक्शंस कंटिन्यू रखेंगे, और मेनली ये है कि इसको थोड़ा बॉडी टेम्परेचर वार्म रहे तो सनलाइट में इसको थोड़ा ज़्यादा समय तक रखना पड़ेगा। एक जारा केस हाइपोथर्मिया कोलैप्स है, शायद दूसरा प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है भी, मौसम चेंज लाइक दिस, तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम काउस के साथ डाउन, बहुत बहुत भारी है देयर वेट, इट्स इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि करा बहुत जल्दी, अगर बहुत समय बहुत टाइम डाउन है देन इट्स डिफिकल्ट टू स्टैंड, एंड इफ दे डोंट स्टैंड देन इट्स मुश्किल। तीन चार बार हर दिन होइस्ट होइस्ट होइस्ट, थोड़ा मसाज, थोड़ा स्टिम्युलेशन, और थोड़ा शी विल स्टार्ट टू वर्क। को होइस्ट करने के बाद हमने उसके फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करी थी। फ्लूइड थेरेपी इसीलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि उसका खाना पीना कम हो गया था और वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया था, तो उसी को कवर अप करने के लिए हमने उसकी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करी। ये नगरोटस है, कल हम इसको रेस्क्यू करके लाए हैं, टेल के ऊपर काफ़ी बड़ा बूंद है और पंख लग भी लगा नहीं रही, नीचे वेट नहीं ले रही इस पर। शांत, एकदम शांत, समझ आई? डायग्नोसिस में एक तो इसका वून है ये टेल के पास, उसकी ट्रीटमेंट तो भी जैसे क्लीनिंग वगैरह चलेगी, प्लस इसको कंप्रेशन भी फील हुआ मुझे स्पाइन पे, क्योंकि एक्सीडेंट की हिस्ट्री भी है इसकी, तो उसकी वजह से उसकी एक टांग में थोड़ी सी सेंसेशंस कम है, निचले हिस्से में है, ऊपरले हिस्से में नहीं है। हो गया, देखने तो मुझे बच्चे, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा इसको नर्व टॉनिक्स पर रखेंगे ताकि नर्वस स्टिमुलेशन मिले और इसकी जो है सेंसेशंस इंप्रूव हो। क्या हो गया इसको? इसकी ना लेग है एक ना, मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो नी जॉइंट से वो अलग हो गई है, कहीं पे और हुआ एक्सीडेंट ना, एक्चुअली मेडिकल स्टोर है ना वहाँ पे खुला सा ग्राउंड है तो वहाँ पे आके छोड़ गए। इंजरी बेसिकली ये है कि इसका जो पॉ है वो तो कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है, और जो अब पॉ के ऊपर की जो बोन है वो भी एक्सपोज्ड है, तो इन्फेक्शन है स्टार्टिंग में, अभी हम इसका इन्फेक्शन क्लियर आउट करेंगे। वो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर के इंजेक्शंस, पेन किलर भी हमें सिलेक्टिव देना पड़ेगा, जो नॉर्मली देते हैं वो नहीं, क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन है, ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा निकला है इसका। इसका एक ही है कि एम्पूटेशन सर्जरी हमें करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा थोड़ा, और थोड़े इसके ब्लड लेवल्स थोड़े नॉर्मल आ जाए तो उसके बाद हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं। अब वापस लेके जाओगे इसको ठीक होने के बाद? इसको फ़ोन आया था हमारे लिए कि इसको पीछे वाली टांग काम नहीं कर रही ना इसकी, उनको पता नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो फिर हम कल गए थे कैचिंग के लिए तो हमें वहाँ भी मिल गए, तो हम इसको ले आए हैं। इसको एक तो एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुल आया, जिससे कि हम इसको टच करें तो एकदम से ये रिस्पॉन्स शो कर रही है और चीख रही है काफ़ी, प्लस इसमें पानी जैसे स्प्रिंकल किया एकदम से डर गया, और इसने पानी का जो डिश है वो अंदर रखने ही नहीं दिया। जब रेबीज होता है तो जो इनके जो लेरिंजियल मसल्स होते हैं जिससे खाना पानी नीचे जाता है उसका पैरालिसिस हो जाता है, तो पानी पीना चाहते हैं पर नहीं पी पाते हैं, तो इन अ वे फ्राइटन डर जाता है, तो जैसे हमने इस पे पानी डाला उसका इमीडिएट रिएक्शन आया, तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं रेबीज के लिए। डिसोरिएंटेशन तो काफ़ी ज़्यादा ही है इसको, और पैरालिसिस भी, वो डम फॉर्म भी धीरे धीरे आ रही है। अभी के लिए ये सस्पेक्टेड है रेबीज के लिए। पराल को बेडिंग दे रहे हैं काउशेड में, जो कि हम लोग हर सर्दी में करते हैं, क्योंकि पराल काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, नॉर्मल बेडिंग से ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये सुखाने के लिए इजी होता है, और उसके अलावा क्योंकि हमारा मैट भी थोड़ा ठंडा रहता है और फर्श भी ठंडी है,
और इस वजह से हम लोग पराल का इस्तेमाल करते हैं उनकी वेडिंग के लिए। डॉग्स के लिए तो हम यूजुअली जो इनके डॉग हाउस है, जो मतलब इनके कैनल के अंदर जो इनके घर है, उसके ऊपर जूट के पर्दे लगा रखे हैं हमने मोटे मोटे, और उसके अलावा हम उनको रेगुलर बेडिंग देते हैं। और अगर कोई डॉग बहुत ही ज़्यादा पतला है या बाल नहीं है या ऐसा कोई इसका कंडीशन है, स्किन कंडीशन, तो हम लोग उनको अभी से स्वेटर्स पहनाना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज हम थोड़े दिन बाद शुरू करते हैं स्वेटर पहनाना डॉग्स को। तो बस वरांडे के पर्दे लग जाएं तो ये वाले जानवर भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें से वो लोग होते हैं ना जो टफ एक्ट करते हैं, किसी चीज के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करते, तो लोग भी समझ बैठते हैं कि हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा होता थोड़ा ही है। और ठीक इसी तरह भी क्योंकि जानवर हर चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करते, तो लोग समझ बैठते हैं कि भाई उन्हें दर्द नहीं होता, पर ऐसा थोड़ा है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी ठंड लगती है, और वो भी हमारी तरह एक सफरिंग फ्री लाइफ चाहते हैं।